हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिन में, जहां आपको मिलती है मेडिसिन के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप भी दाग धब्बे, डार्क सर्कल या फिर झाइयाँ या फिर जो ग्रे कलर के निशान हो जाते हैं, इन सारी प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं आईजीकॉन क्रीम के बारे में। ये देख लीजिए, ये आईजीकॉन क्रीम है, तो इसकी हम कंप्लीट रिव्यू जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, क्या क्या इसमें कंटेंट ऐड किए गए हैं और क्या इसका मार्केट प्राइस है, कहाँ कहाँ पे इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं और क्या इसका सही तरीका होता है यूज़ करने का। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जो ये आईजीकॉन क्रीम है, इसको बनाया गया है लाइफकॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, और अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ये लगभग 165 रुपए में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें कंटेंट क्या क्या ऐड किए गए हैं। तो जो इसमें कंटेंट है, वो तीन कंटेंट मुख्य रूप से ऐड किए गए हैं। नंबर वन है हाइड्रोक्विनोन है, ट्राइटिनोन है और मेमेंटासोन, ये तीन चीज़ें ऐड की गई हैं इस क्रीम में। तो हम ये भी जानेंगे कि ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब ये तीनों कंटेंट मिलके कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये मेलाज़्मा को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं, या आँखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, धब्बे हो गए हैं, तो या फिर किसी चोट का भी निशान है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्किन डार्क हो गई है, या फिर गोरा होने के लिए भी कई लोग इस क्रीम का यूज़ करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। तो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोक्विनोन जो होता है वो स्किन लाइटिंग मेडिसिन होती है, मतलब स्किन को लाइट बनाने का काम करती है। वहीं पे जब मतलब जो हमारी बॉडी में मेलेनिन नाम का हार्मोन होता है, मेलेनिन होते ही वो स्किन के कलर को डार्क करती है, तो ये मेलेनिन को ही रिड्यूस करके वहाँ की स्किन पे, जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे आप इस क्रीम का अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की जगह को पूरा साफ कर देती है, वहाँ की स्किन को लाइट कलर में कन्वर्ट कर देती है। दूसरे जब हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं ट्राइटिनोन की, तो ट्राइटिनोन का जो वर्क होता है, ये एक फॉर्म होता है विटामिन ए का, और ये स्किन को रिन्यू करने का काम करती है। वहीं पर जब तीसरे हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं, तो मोमेंटासोन जो कि ऐड किया गया है 0.1%, ये स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड ये काम क्या करता है कि जो हमारी स्किन पे रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, उसको ठीक करके ये सही करने का काम करती है। ये स्टेरॉइड जो होता है, जो हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ये इनहिबिट करके ही अपना वर्क शो करता है। और हम जान लेते हैं कि इसका जो यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है। तो जो अफेक्टेड एरिया होता है उसको आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, अपने हैंड को भी वॉश कर लीजिए, फिर इसको इस क्रीम को अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, इसको दिन में अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि सनलाइट के साथ में ये रिएक्शन कर सकती है, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह पर ही इस क्रीम का यूज़ करें। और हाँ, मेन रात में ही इसको क्रीम को यूज़ किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो जो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, वो आपकी स्किन पर रेडनेस आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इचिंग टाइप से भी हो सकती है, या फिर अगर आप इसका बहुत ही लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो वहाँ की स्किन पतली भी हो सकती है। और हाँ, कुछ लोगों में लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से वहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ भी हो जाती है, तो ये भी कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। और ज़्यादातर इसको लोग गोरा होने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ की स्किन को लाइट करने के लिए, बट कितने समय तक यूज़ करना है ये आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। बिना डॉक्टर के सलाह के इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि किस टाइप की आपकी स्किन है ये डॉक्टर ही आपका डिसाइड करता है कि आपको ये क्रीम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है आईजीकॉन क्रीम के बारे में आपको बताने की, पूरी जानकारी देने की। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।